दोस्तों, होम्योपैथी में एक मेडिसिन आती है जिसका नाम है कार्डवस मरिनियस, और इस दवाई को मैं बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ जहाँ पे पेशेंट के कुछ लक्षण मिलते हैं और उसके अंदर लीवर की समस्या है, तो बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। उनकी जो लीवर की प्रोफाइल है बहुत जल्दी ठीक हो जाती है। कुछ सिम्टम्स होते हैं, अगर आपके अंदर लीवर के अंदर कोई समस्या चल रही है तो इस वीडियो को आप कंप्लीट देखिए और जानिए कि आप इस दवाई को कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल करेंगे और किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले जो इस मेडिसिन का एक्शन है वो हमारे सेंटर ऑफ लीवर है, बिल्कुल इसका स्पेसिफिक एक्शन हमारे लीवर पे है। साथ साथ में जो इसका एक्शन है वो हमारे पोर्टल सिस्टम पे है, जो हमारी पोर्टल वेन्स है उस पे इसका बहुत अच्छा स्पेसिफिक एक्शन है, खास करके जहाँ पे पेशेंट को कंजेशन फील होती है। कंजेशन का मतलब होता है कि पेट के अंदर उसको बहुत ज़्यादा अफारा सा बनता है, भारीपन लगता है, खिंचाव महसूस होता है। खास करके पेशेंट इस टर्म में बोलते हैं कि डॉक्टर साहब, हमारा पेट बहुत अफड़ता है, पेट हमारा टाइट हो जाता है, ऊपर से पेट हमारा बहुत टाइट हो जाता है, और यहाँ पे छूने में बहुत दर्द होता है, और यहाँ पे क्या होता है, ये हमारा लीवर का लेफ्ट लोब होता है, और ये इस मेडिसिन का बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है कि पेशेंट को हम थोड़ा सा टच करेंगे तो उसको बहुत ज्यादा पेन सेंसेशन उसको बनेगी कि वो छूने भी नहीं देता है। जैसे एक होम्योपैथी की मेडिसिन मर्क्सोल आती है, बहुत सेंसिटिव है, तो ऐसे सिम्टम्स उसके अंदर भी होते हैं और ऐसे सिम्टम हमें कार्डोस के अंदर भी देखने को मिलते हैं कि जो लीवर का लेफ्ट लोब है बहुत ज्यादा सेंसिटिव मिलता है। तो इसका दो जगह पे स्पेसिफिक एक्शन है, एक जो हमारा पोर्टल सिस्टम है जैसे पोर्टल वेन्स वगैरह है, और साथ में हमारे लीवर पे है। बाकी हम देखते हैं पेशेंट के अंदर गैस वाले सिम्टम्स भी ज्यादा मिलते हैं, उसको जो गैस्ट्रिक डिस्टरबेंस भी रहता है, जैसे मुंह के अंदर उसको कड़वापन बना रहता है, मुंह में खट्टा पानी आता रहता है, उसको भूख नहीं लगती है, बार बार उसको वॉमिटिंग जैसी सेंसेशन होती है, नॉजेट सेंसेशन होती है, और पेट की अगर हम बात करते हैं तो उसको जो स्टूल है वो हार्ड आती है, उसको ये नहीं कि आराम से पेट साफ हो जाएगा, उसको स्टूल में ड्राइनेस रहती है, सूखा सूखापन रहता है, तो हार्डनेस भी वहां पर रहती है। और जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमारा लीवर वाला रीजन है इसमें पेशेंट को बहुत ज्यादा दर्द रहता है, साथ में जो इसका एक स्पेसिफिक एक्शन है वो हमारे लीवर के लेफ्ट लोब पे है और जो कि बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। इस लाइन का क्या मतलब है वो मैंने आपको बता दिया, बहुत ज्यादा उसमें सेंसेशन बढ़ी रहती है कि पेशेंट को हम छूते हैं, टच करते हैं तो उसको बहुत ज्यादा दर्द महसूस होता है। इसके साथ उसको फुलनेस लगती है और सोरनेस लगती है। इसका मतलब ये है कि पेट के अंदर भारीपन लगती है, और सोरनेस का मतलब ये कि उसको छूने में लगता है कि अंदर बहुत ज्यादा दर्द बना हुआ है। इसके साथ मिलता है कॉन्स्टिपेशन, मैंने आपको बताया स्टूल हार्ड है, जैसे कि आपको जो मल आ रहा है वो बिल्कुल नोटी की तरह आएगा, बिल्कुल गांठ गांठ निकलेंगी, बहुत डिफिकल्ट करके निकलेगा, और पेशेंट के हम देखते हैं उसको कई बार डायरिया भी लग जाता है, ऐसा नहीं कि कंटिन्यू ऐसा चलता है, कई बार पेशेंट को डायरिया भी हो जाता है और कई बार उसको कॉन्स्टिपेशन रहता है बट इसी तरीके वाला रहता है। हम देखते हैं स्टूल ब्राइट येलो मिलती है, उसका कॉज ये है कि पेशेंट को जब भी लीवर के अंदर समस्या होती है तो उसका बिलिरुबिन कई बार बढ़ जाता है, जिसकी वजह से बिलिरुबिन ज्यादा आ रहा है स्टूल के अंदर, कई बार ऐसा भी हो जाता है, तो उसका जो स्टूल का कलर है वो कई बार ब्राइट येलो आता है। और हम देखते हैं ये इसका जो हमारा एक्शन है वो गॉल ब्लैडर पे भी है, जो हमारे पित्ताशय है, जो पित्त की थैली है उस पर भी है। कई बार हम अल्ट्रासाउंड में देखते हैं, अल्ट्रासाउंड के अंदर सारी चीजें ठीक मिलती है, लीवर भी ठीक है, हमने LFT करवाई हुई है वो भी बिल्कुल ठीक है, बट जो हमारा गॉल ब्लैडर है उसके अंदर समस्या है, उसके अंदर कुछ पैथोलॉजिकल चेंजेस हो गए हैं, वहां पे इन्फ्लेमेशन हो रही है, सूजन हो रही है, और सिम्टम वही आते हैं कि टच करने में पेशेंट को दर्द है, तो वहां पे भी हम इस मेडिसिन को प्रेस्क्राइब कर सकते हैं जहाँ पे गॉल ब्लैडर के अंदर समस्या है, इन्फेक्शन वगैरह हो चुका है या इन्फ्लेमेशन हो रही है, उसमें सूजन आ गई है, उसका मुंह छोटा हो गया है और दर्द के सिम्टम साथ में। बाकी देखा जाए तो इस मेडिसिन को हम और भी जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे रेक्टल वेन्स होती हैं और पेशेंट को पाइल्स हो जाते हैं, या फिर पेशेंट को वेरिकोज वेन है, तो वेन्स पे इसका एक्शन बहुत है। तो केवल लीवर के बारे में जो खास निचोड़ था इस मेडिसिन का वो मैंने आपको बताया है, और आप इस दवाई को इस्तेमाल करेंगे अगर आपकी लीवर प्रोफाइल बिगड़ी हुई है, आपका लीवर का जो साइज है वो बढ़ा हुआ है, और आपको जो स्टूल है वो इस तरीके से आते हैं, जो आपका मल है वो इस तरीके से आता है, या फिर आपको कुछ पेट के सिम्टम्स जैसे मैंने आपको बताया है, तो आप इस दवाई को लाइए, मदर टिंचर फॉर्म में लाइए। होम्योपैथिक दवाई है तो होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पे मिलेगी। मदर टिंचर लाइए आप इसका, जिसपे क्यू बना होता है, किसी भी कंपनी का आप ला सकते हैं, 100 से 150 रुपए की शीशी मिल जाएगी जो कि आपके लगभग 20 से 25 दिन चल जाएगी। डोज आप जान लीजिए, खाना खाने के बाद लीजिए आप इस दवाई को, 10 से 15 बूंदे लीजिए, हल्के से गुनगुने पानी में लीजिए, दिन में 2 बार का समय तो 2 बार लीजिए, 3 बार ले सकते हैं, 3 बार भी आप इस दवाई को कंटिन्यू लीजिए। एक शीशी पियेंगे आपको तुरंत इससे आराम दिख जाएगा, अगर आपको आराम नहीं दिखता तो आपको एक होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करना होगा। ठीक है दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही, इस वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।